अरुणाचल प्रदेश को कोई खबर नहीं है, चीन को लेके कोई खबर नहीं है, उनकी खबर और लाइव कवरेज चल रही है वहां पर रशिया और यूक्रेन, और आपका वाक्य में 56 इंच का सीना है तो जाकर टहलिए ना अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर। कोई तिहाड़ी पत्रकार है तो कोई शराब पी के घुस जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले आपको मैं कुछ थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। आपको याद होगा जून 2020 जब आपको गलवान के अंदर भारत माँ के जो 20 जवान हैं वो शहीद हो गए थे, आपको याद होगा। आपको याद होगा 73 दिन तक डोकलाम में भारत देश के सैनिक और चाइना के सैनिक आमने सामने थे। दूसरी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री जी अभी दिसंबर के अंदर आपने देखा होगा G20 के अंदर गए थे, जिसमें जिनपिंग और नरेंद्र मोदी आमने सामने थे। नरेंद्र मोदी जी ने लाल आंख दिखाने के बजाय वहां पर जिनपिंग को लाल कुर्ता दिखाया, अपना लाल आंख नहीं दिखा पाए। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी अगर आपका गुजरात का चुनाव हो गया हो, अगर आपका हिमाचल का चुनाव हो गया हो, माता जी के साथ फोटो खिंच गई हो, अगर आपने और तमाम काम कर लिए हो, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया हो, तो आप जरा टहलने के लिए अरुणाचल प्रदेश चले जाइए। क्योंकि फिर आप बाद में कहते हैं कि ना कोई घुसा है और ना कोई घुस पाएगा, तो इससे बढ़िया है आप वहां पर चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में सीना पर जाकर टहल लीजिए। आपको टहलने का बहुत शौक है, वैसे भी आप टहलने के लिए विदेश भी चले जाते हैं, और सैनिकों से मिलने के लिए तो आप दिवाली पे जाते ही हैं, तो वैसे भी चले जाइए। तो चाइना वालों को भी लगेगा कि भैया 56 इंची वाला नहीं, 156 इंची वाला टहल रहा है वहां पर, तो चाइना वाले भी डरेंगे। थोड़ा सा आंख में लाल सिंदूर बिंदु डाल लीजिएगा ताकि चाइना को लाल आंख दिखा सके आप, और क्या करेंगे आप। दूसरी बात, आप यहां रहकर करते क्या है, आपका दो ही काम है, पहला चुनाव लड़ना और दूसरा कांग्रेस से लड़ना। फिर तीसरा आपका यह काम रहता है कि वो मुझे भस्मासुर कह रहे हैं, भाइयों बहनों वो मुझे रावण कह रहे हैं, ये काम तो यहाँ पर रहकर संबित पात्रा और गौरव भाटिया आपसे अच्छा कर लेते हैं। यही काम तो आपको करना है यहाँ रहकर, ये काम तो वो भी कर लेंगे यहाँ रहकर। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए और वहां जाकर टहलिए, वहां आपकी ज्यादा जरूरत है। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, टिकटॉक बैन करने से क्या इस चाइना का समाधान निकल गया? दूसरी बात यह कि रक्षा मंत्री अंदर है वहां पर, गृह मंत्री पहले ही बाहर आकर बयान दे देते हैं, हर चीज के लिए वो जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा देते हैं। भैया एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने गलतियां करी तभी तो लोगों ने परिवर्तन करके आपको कुर्सी पर बिठाया, आप बार बार आकर उनकी गलतियां गिनाते हैं। अरे आपने क्या किया जरा आप ये बताइए, आप भी तो 2014 से लेकर अब तक सरकार में बैठे हैं, 2020 आपकी सरकार के राज में हुआ, अभी 9 दिसंबर की यह घटना थी, लेकिन देश के सामने 12 दिसंबर को यह घटना आती है, आखिर ऐसा क्यों? जरा ये बताइए ना, क्या देश के लोगों को अपने सरहदों के बारे में जानकारी लेने का हक है या नहीं है? और अगर अगर कोई सवाल खड़ा कर दे, अगर अगर आपसे कोई सवाल खड़ा कर दे तो आप कहते हैं कि भैया सैनिकों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सेना पर सवाल उठा रहे हैं। तो मोदी जी मैं आपको बता दूं कि सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं। आप पे सवाल उठाते हैं तो आप कह देते हैं कि सेना पे उठा रहे हैं, सेना तो अपना काम बढ़िया कर रही है। सेना ने तो अभी आपने देखा कि 9 दिसंबर को कि छोटी छोटी आंख वाले चाइनीज सैनिकों को कैसे उठा उठा के पटका, आपने देखा, सेना तो अपना काम बढ़िया कर रही है। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि सेना का सीना क्यों नहीं बताया जाता, 56 इंच का आपका क्यों बताया जाता है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, जरा ये बताइए ना। मीडिया का तो काम ही यही है, और मीडिया के कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो लगातार लाइव कवरेज दे रहे हैं रशिया और यूक्रेन को, अरुणाचल प्रदेश को नहीं दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को कोई खबर नहीं है, चीन को लेके कोई खबर नहीं है, उनकी खबर और लाइव कवरेज चल रही है वहां पर रशिया और यूक्रेन। जेपी नड्डा का देखा ना, जेपी नड्डा भी कैसे रुक गए, जेपी नड्डा का अब राजनीतिक करियर भी रुक जाएगा, और जनता पूरे देश के ऐसे ही बीजेपी के जितने भी नेता हैं सबका राजनीतिक करियर एक एक करके रोकेगी। जेपी नड्डा अपने खुद के घर में हार गए ना, कितनी बुरी हालत हुई जेपी नड्डा की आप सभी ने देखा। तो आपको मैं एक बात बता दूं, मोदी जी अब आपके जुमलों से काम नहीं चलेगा, और आपका वाक्य में 56 इंच का सीना है तो जाकर टहलिए ना अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर, क्यों नहीं टहलते हैं आप वहां। भाई आप एक बात मुझे बताइए, हमसे पाकिस्तान नहीं या पाकिस्तान से हमें, ये बताइए, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, मोदी जी से डर रहा है? इस देश का इतिहास देखिए, मोदी जी तो सिर्फ लंबी लंबी हांकते हैं और जुमले फेंकते हैं। शास्त्री जी पाकिस्तान में लाहौर तक घुस गए थे, 1966 याद करिए, 1966 ताशकंद समझौता, शास्त्री जी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है ना। ये वही पाकिस्तान है जिसके दो टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए, एक पाकिस्तान बनाया एक बांग्लादेश बनाया, भूल गए आप हैं? और शास्त्री जी वो नेता थे जो अमेरिका के कहने पर नहीं रुके,
ऐसे नहीं है, समझ रहे हो भाई? हमारे को अपने देश से मतलब है ना, हमारे देश में अमन चैन और शांति कायम होनी चाहिए। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी के राज में जो मोदी जी बोल रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी, एक भी गतिविधियां कम हो रही है? या कश्मीर में अगर आज भी माहौल ठीक हो तो आप मुझे बता दीजिए, कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया, बताइए आप मुझे। देखिए ये तो देखने वाली बात है, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी सिर्फ जो है वो मुंह से गोले दागते हैं, ठीक है ना? उनका काम है टीवी चैनल पर बैठ के, उनके कुछ पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो सिर्फ मुंह से गोले दागते हैं। और मोदी जी सिर्फ यही कहते हैं, भाइयों बहनों वो मुझे भस्मासुर कह रहे हैं, भाइयों बहनों वो मुझे रावण कह रहे हैं। और उसके बाद आपने तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर ही रखा है, आपने तो टीवी चैनलों पर छोड़ ही रखा है, वो गौरव भाटिया है, एक वो संबित पात्रा है, और एक वो त्रिवेदी भी है, जफर इस्लाम भी है, बहुत सारे हैं, सबका साथ सबका विकास आपने कर ही रखा है। तो जो काम आप करते हैं वो काम तो ये लोग भी कर रहे हैं, तो आप अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी टहलने के लिए? मोदी जी कहाँ घुस के मार रहा है ये बताइए? मोदी जी घुसे ना पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए, तुरंत घुसे मोदी जी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान में घुसे, ये तो देखिए आप। और दूसरी बात ये कि आप जैसे पत्रकारों की वजह से आज तक हम भारत देश की जो तुलना है वो पाकिस्तान से करते हैं। आप डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका या रशिया की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पाकिस्तान क्यों उठाकर लेके आते हैं? अरे पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, आप पाकिस्तान की भारत देश की तुलना पाकिस्तान से करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं पाकिस्तान के, ये बताइए जरा, जो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं भाई, कोई काम नहीं कर रहे हैं, दलाली बटोर रहे हैं, माल बटोर बटोर के जेब के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और वो जो तीन चेहरों की आप बात कर रही है ना, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन राजनाथ सिंह जितना बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह अपने बेटे पंकज सिंह को विधायक की पोस्ट से हटाकर उसे वहां पर खड़ा करें ना बॉर्डर पे, पता चल जाएगा है? अमित शाह अपने बेटे को जैसा को बीसीसीआई से निकालकर वहां आर्मी के लिए खड़ा करे, पता चल जाएगा? नरेंद्र मोदी जी अपनी भतीजी को जिनका बटुआ चुर गया था उनको वहां सरहद पे खड़ा करें, पता चल जाएगा? क्यों नहीं चाहते? जिस दिन नेताओं के बच्चे सरहद पे खड़े होने लग गए ना मैडम, उस दिन एक भी भारत देश के जवान को खरोच भी नहीं आएगी। शहीद होना तो दूर की बात, आज गरीब किसान का बेटा है, गरीब मजदूर का बेटा है, इसलिए सरहद पे शहीद होता है। जिस दिन नेताओं के बच्चे खड़े होने लग गए, एक शहीद नहीं होगा। वरना खड़ा करके देख लीजिए एक दिन बॉर्डर पर अमित शाह के बेटे जैसा को, एक दिन खड़ा करके देख लीजिए राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को। विधायकी करना आसान है लेकिन सरहद की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? आप देखिएगा -5 डिग्री -10 डिग्री टेम्परेचर में जब आदमी का जिंदा रहना मुश्किल होता है, भारत देश के जवान निस्वार्थ वहां सरहदों की हिफाजत करते हैं, सरहदों को छोड़कर नहीं जाते हैं, ठीक है ना? ये नेता ऐसे हैं जो देश के अंदर पैसा बैंकों का घोटाला करवाकर भगोड़ों को भगवा देते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनको भगाने वाला कोई और नहीं, देश की सरकारें हैं, देश के नेता हैं, और कोई नहीं है। हाँ तो अमृतकाल चल ही रहा है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है इसको आप अमृतकाल कहेंगे तो चलता रहेगा, महंगाई कितनी बढ़ गई है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं हो रही है, महिलाओं की इज्जत और आबरू लूट रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक महिला को लूट लिया, खुलेआम दिन दहाड़े बंदूक रख के उसको लूट लिया गया। ये अमृतकाल चल रहा है आपका, जरा ये बताइए। उधर से चाइना घुस रहा है, इधर से कश्मीरी पंडितों का पलायन चल रहा है, इधर से एक बच्चे को मटके से पानी नहीं पीने दिया जा रहा, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को कोई महिला अगर टंकी से पानी पी ले तो टंकी को आप गौमूत्र से धो देते हैं। आप कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, ऐसा अमृतकाल इस देश को नहीं चाहिए, ऐसा अमृतकाल से तो हाथ जुड़वाएं। देश के नौजवान सड़क पर रोजगार मांग रहे हैं तो लाठी और डंडे पर चार्ज किए जा रहे हैं, आप इसे अमृतकाल बताते हैं? किस एंगल से आपको ये अमृतकाल नजर आ रहा है, जरा ये बताइए। डंका एक ही जने का पिटरा और वो है देश की गोदी मीडिया का, ठीक है ना? और एक दिन ढोल भी बजेगा। आपको कितनी बार बायकॉट किया जाता है, जगह जगह आपको भगाया जाता है, लेकिन कहते हैं ना एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। मैं कहूंगा एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन देश के अंदर की गोदी मीडिया और दलाल मीडिया कभी सीधी नहीं हो सकती, ये वैसी की वैसी रहेंगी टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ तो आप एक बात मुझे बताइए ना, रवि किशन काम करके आते होंगे और नेहरू जी डंडा लेकर खड़े रहते होंगे और वो बोलते होंगे बेटा रवि किशन आराम हराम है, तू काम पे लग जा, तो वो चार बच्चे नेहरू जी की देन होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये, मनोज तिवारी तीसरी बार बाप बने हैं, 2014 के बाद बने हैं, तो अब उनके तीसरे बच्चे का जिम्मेदार कौन है, जरा ये बताइए। वो तो शुक्र है अभी अच्छा है, मैं मोदी जी से कहूंगा मोदी जी आप कानून लेके आ जाइए, नहीं तो रवि किशन जो है देश के अंदर सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी तो चार ही है, क्या पता 40 भी कर दें, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अरे बिल कुछ नहीं लेके आ रहे, इनका बिल सिर्फ बिल में घुसा हुआ है,
वो बिल बाहर ही नहीं निकल के आता। जैसे इनके पास कह रहे थे ना, काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट आज तक निकली नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी हम बना देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आप सिर्फ जनता को टोपी और जुमला पहना सकते हैं, बस और कुछ नहीं, आपका काम ही जुमले देने का है। हाँ, तो नैनो चिप वाली आंटी से पूछिए ना कि नैनो चिप वाली आंटी अब कहाँ चली गई, 2000 के नोट कहाँ गड़े हुए हैं। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2000 के नोटों को बंद किया जाना चाहिए, इनसे भ्रष्टाचारी और आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। अब आप उनसे पूछिए और नैनो चिप वाली आंटी को भी भेजिए कि 2000 के नोट कहाँ गड़े हुए, जरा निकालें, चेक करें अपने लैपटॉप में जाके कहाँ पर उनका जीपीआरएस टेस्ट हो रहा है, बताए ना। नैनो चिप वाली आंटी अब नहीं बोल रही, नैनो चिप वाली आंटी गायब है। असल में ये पत्रकार, इनके पास आधा अधूरा ज्ञान है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसी मोदी जी की डिग्री है वैसी गोदी मीडिया के पत्रकारों की डिग्री है, कोई तिहाड़ी पत्रकार है तो कोई शराब पी के घुस जाता है। और ये सेना की बात करते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आप ये सेना की बात करते हैं, आपको याद है जब एक घटना देश के अंदर हुई थी, जब विमान क्रैश हुआ था, याद है आपको? किसकी बात कर रहा हूं मैं, बताइए। जनरल बिपिन रावत के नाम लेते हुए इन्होंने क्या कहा था, आप भूल गए? दीपक चौरसिया ने, हैं? शराब के नशे में रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से नशे करके ये लोग बैठे रहते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है। एक प्रधानमंत्री है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, अरे भैया प्रधानमंत्री की शब्द की एक मर्यादा होती है। एक गृह मंत्री है जो 12वीं करने के बाद वापस 10वीं में वो एडमिशन लेगा, उसको लैपटॉप दिया जाएगा। जबान फिसलना कहते हैं इसे, आपको ये नहीं पता 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है, इसे कहते हैं अनपढ़ होना। दूसरी बात ये, मेरे पास में एक फोटो थी जो मोदी जी की आई थी, मोदी जी टिकट की लाइन में लगे हुए, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक मोदी जी की फोटो थी, उसमें मोदी जी टिकट लेने के लिए विकलांग वाली लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर ज्ञान दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, ना कि हिंदू और मुसलमान में उलझाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।